बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल फाइन। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड योर प्रीवियस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड गेट टू द पेज नंबर 14। टुडे students, today we solve multiply questions, okay? Multiply, हम multiply करेंगे, means के हम tables जो है ना उनके साथ हम करेंगे, उन्हें multiply करेंगे, उन्हें पढ़ कर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज 342 इंटू मीन के मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, ठीक है? आपने जब मल्टीप्लाई करना है 2 को, आपने 2 को सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? यानी कि 2 का टेबल आपने 2 तक पढ़ना है, 4 तक पढ़ना है एंड 3 तक पढ़ना है। तो आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड से जो है ना टेबल्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, ओके? तो आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ तक? 2 तक पढ़ेंगे, 2 to the 4 आपने राइट कर देना है सेम उसी नंबर के नीचे, ठीक है? इस नंबर के बिल्कुल नीचे राइट आपने करना है इसको, ओके? फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 2 का टेबल 4 तक, 2 4 the 8, ओके? फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 3 the 6। हाँ जी, ये आपने मल्टीप्लाई किया है हमने क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया है, सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ओके? अभी हम सिंगल नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 432 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है? फिर आपने राइट हैंड साइड से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है और एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12। 12 कंप्लीट राइट किया है, क्यों? आगे नंबर नहीं है तो हम इसे कंप्लीट राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सम टाइम मल्टीप्लाई करते हुए हमें कैरी करना पड़ते हैं अपने नंबर्स। तो इसमें देखें क्वेश्चन है 324, 324 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, ठीक है? यानी कि हमने 3 का टेबल पढ़ना है। तो 3 हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, 3 4 the 12, 12 अब कंप्लीट यहाँ राइट नहीं करेंगे, ठीक है? 12 में से जो 2 है, जो यूनिट में जो नंबर है यानी कि 2 आपने नीचे राइट करना है, और जो 1 है आपका, जो टेंस में जो 1 आता है उसको आपने नेक्स्ट नंबर पर कैरी कर देना है। यानी कि जो आप नेक्स्ट नंबर जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर पर आपने उसे कैरी कर देना है। 12 का 2 हमने यहाँ राइट किया और 1 हमने नेक्स्ट नंबर पर कैरी कर दिया। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह जैसे पहले कर रहे थे, 3 2 the 6, 6 आप यहाँ राइट नहीं करेंगे, आपका कैरी है तो वो कैरी आपने उसमें ऐड करना है। अगर आप कैरी ऐड नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 2 the 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। तो आपने यहाँ 7 राइट करना है, सेम दूसरे नंबर के नीचे राइट करना है आपने। फिर अब पढ़ेंगे, अब कोई कैरी नहीं है तो अब 3 का टेबल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर तक, 3 3 the 9, तो ये आपका आंसर है, ठीक है? जैसे आपको स्टूडेंट पहले एक लेक्चर में बताया है कि ऐड करेंगे अगर हम तो उनका आंसर क्या कहलाता है, सम कहलाता है, और अगर हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका आंसर क्या कहलाता है, डिफरेंस उसको हम कहते हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका उसका जो आंसर आता है उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि समटाइम जो क्वेश्चन है ना वो चेंज आते हैं, आपको डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे। जैसे आपको पहले 2 एक्सरसाइज में उन्होंने क्या कहा, ऐड नहीं कहा उन्होंने, एडिशन नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा था, सम निकालें। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे। क्या होता है, क्वेश्चन समटाइम आता है कि क्या करें, प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो अगर प्रोडक्ट कहेंगे तब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, और अगर मल्टीप्लाई कह रहे हैं तब भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं,
आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आपने इनकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी क्वेश्चन है इस पेज पर, ये जो कम्प्लीटली जो पेज है वो आपने खुद सॉल्व करना है इसको, ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ। और फिर बाद में इनकी दोबारा आपने इसको रिपीट में इसकी अपने रफ पर जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको चेक भी करवाना है किसी को भी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।